हाय, मैं हूं सोनाली बेंद्रे. दिस इज इंडियाज बेस्ट डांसर. सब्सक्राइब टू लिव म्यूजिक चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर मोर परफॉर्मेंसेस. अब जो मेरे दिन और अब जो मेरी रातें हैं, उनमें सिर्फ आंसू हैं, उनमें सिर्फ दर्द की रंज की बातें हैं और फरियादें हैं. मेरा अब कोई नहीं, मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं. डूब गया है दिल गम के अंधेरे में, मेरी सारी दुनिया है दर्द के घेरे में. मेरे सारे गीत ढले या हो में, बन के दीवाना अब यहाँ वहाँ फिरता हूँ, ठोकर खाता हूँ राहों में. जहाँ उसे देखा था, जहाँ उसे चाहा था, जहाँ मैं हंसा था और बाद में रोया था, जहाँ उसे पाया था पाके खोया था. जहाँ कभी फूलों के कलियों के साए थे, रंगी रंगी महकी रुत ने हर एक कदम पर रात रचाए थे. गुलशन गुलशन दिन में उजाले थे, जगमग जगमग नूर था रातों में. झिलमिल झिलमिल जहाँ मैंने ख्वाबों की देखी थी मंजिल, जहाँ मेरी कष्ट ने पाया था साहिल, जहाँ मैंने पाई थी पलकों की छाँव, जहाँ मेरी बाहों में कल थी किसी की मरमरी बाहें, जहाँ एक चेहरे से हटती नहीं थी मेरी निगाहें, जहाँ कल नरमी दुनिया की सारी रस्में जाकर भर दादा प्रीत का बादल, जहाँ मैंने थामा था कोई आंचल, जहाँ पहली बार हुआ था मैं पागल. अब उन राहों में कोई नहीं है, अब है वो राही वीरा मेरा, दिल भी है जैसे हैरा हैरा. जाने कहाँ गया मेरे सपनों का मेला, ऐसे ही ख्यालों में खोया खोया घूम रहा था मैं कब से अकेला. चमका सितारा जैसे कोई गगन में, गूंजी सवा कोई मन आंगन में, काज नहीं तल था वो मेरी इन बाहों में. भूल गया मेरा दिल जैसे हर गम बदल गया, जैसे दुनिया का मौसम झूमे नजारे और झूमी सितारे और झूमे चमन और झूमी हवाएं, जैसे फिर गने लगी सारी दिशाएं. कितनी हसी है कितनी जुबानी, हम दोनों की प्रेम कहानी, हम दोनों की प्रेम कहानी, हम दोनों की प्रेम कहानी. वाओ वाओ, माइंड ब्लोइंग. Good stuff, who does this? What a performance, guys! What a performance! ये बेस्ट का डबल टेस्ट ना, ये चैलेंज आप लोगों पर कम और हम पर ज्यादा लग रहा है मुझे. रियली, बिकॉज आंखें दो ही हैं. अभी चार चार लोगों को देखना पड़ रहा है. सोलोज भी देखे हैं, डुओज देखे हैं, ट्रायोज देखे हैं इस सीजन में. क्वार्टेट ये पहली बार देख रहे हैं. ये जो गाना है ब्रेथलेस शंकर महादेवन का, इट्स अ मास्टरपीस. कम सांस लेकर इतनी लंबी लंबी लाइन खींचकर गाना बहुत डिफिकल्ट है. और उसी हिसाब से जिस तरीके से आज आपने नाचा वो भी डिफिकल्ट था, स्पेशली द फुटवर्क. सो रियली वेल डन ऑन दैट. ओके, थैंक यू सो मच. ये बेस्ट का डबल टेस्ट हमने देख के हमने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है. क्योंकि हम आपका स्टाइल जानते हैं विथ योर पार्टनर्स, ये इजी हो जाता है हमारे लिए जज करना. लेकिन जब दो अलग स्टाइल्स, जैसे रक्तिम और विपुल का स्टाइल बहुत सॉफ्ट फ्लूइड ब्यूटीफुल रोमांटिक, आर्यन एंड अंजलि आप लोगों की एनर्जी, आप जिस स्पीड से आप लोग डांस करते हो, आज मैंने देखा कि आप लोगों ने एक दूसरे के स्टाइल को अपना कर एक ब्यूटीफुल एक्ट तैयार किया जो मुझे बहुत पसंद आया. एक दर्द वाला अंधेरा वाला मोमेंट आया, दर्द के अंधेरे में बहुत खूबसूरत. डूब गया है दिल गम के अंधेरे में, मेरी सारी दुनिया है दर्द के घेरे में. इट वाज रियली अ ट्रीट टू वॉच, बहुत मजा आया. थैंक यू सो मच. तो आपका टोटल होता है 25. वेरी नाइस. तो मतलब अब विपुल आपको भी 25 मार्क मिले हैं, अंजलि आपको भी 25 मार्क मिले हैं. मैं पूछना चाहती हूँ आप दोनों से, एक दूसरे के साथ काम करके कैसा लगा?
पहले हमें जब पता लगा कि हमको पेयर किया जा रहा है एक दूसरे से, तो बहुत अच्छा लगा सुन के कि अंजलि के साथ परफॉर्म करूंगा. Okay. बहुत ही बढ़िया लड़का, बहुत बढ़िया लड़की है ये. बिल्कुल ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं किसी लड़की के साथ डांस कर रहा हूँ. ऐसा लगा कि कोई किसी छोटे भाई के साथ ही डांस कर रहा हूँ. टॉमबॉय है हमारी लड़की, थोड़ी टॉमबॉय है. मतलब जैसे फर्स्ट टाइम मैं मिला उससे, वो जैसे ही घुसी दरवाजे में, उसने ऐसे मारा दरवाजा, बैग वैग फेंक कर थोड़ा गया और भैया चलो स्टार्ट करते हैं. मैंने कहा अच्छा वैसा ये तो सही है. मैंने कहा थोड़ा नजाकत के साथ चलना थोड़ा ऐसे. वाह. तो वो चल रही है, ठीक है भैया. कैसे चलती है अंजलि, एक बार दिखा दे कैसे चलती है. ऐसी. और अभी एक आपने स्टेप भी देखा होगा हमारे, उसमें जिसमें वो राउंड करके ऐसे मेरे पास आती है, तो मैंने उसको बोला कि आराम से आना, उसका आपको राउंड दिखाता हूँ. के डबल टेस्ट में एक साथ आ रहे हैं शिवम वानखेड़े, हंसवी टोंग और इनके कोरियोग्राफर्स सोनाली कर और अनुराधा अयंगर. एक बार जोरदार ताला हो जाए. जजेस, मैं कुछ कहना चाहती हूँ. जी. आज हरिद्वार से कुछ स्पेशल लोग आए हैं. मैं बहुत क्लोज हूँ इन सब के. दे आर प्योर सोल और मैं हमेशा हर फेस्टिवल पे या मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होता है उससे पहले मैं हमेशा उनके घर जाती हूँ आशीर्वाद लेने. तो आज भी चाहती हूँ कि इस शुभ कार्य को करने से पहले मैं उनका आशीर्वाद लूँ. मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अयोध्या वासियों को आदेश देकर 14 साल के अपने वनवास पर निकल पड़े और उन्हें अलविदा कहकर सभी अयोध्या वासियों ने अपने घरों की ओर प्रस्थान किया सिवाय कुछ किन्नरों के. इन सभी किन्नरों ने अयोध्या के मुख्य द्वार पर ही भगवान श्री राम का इंतजार किया. इसी इंतजार में 14 साल बीत गए और आज कितनी खुशी का दिन है, लेकिन इन 14 सालों में वनवास में न जाने क्या क्या हुआ होगा.
प्रभु, इस द्वार पर हमने आपकी 14 साल प्रतीक्षा की। आज आपको अपने समक्ष पाकर हम अत्यंत खुश हैं। लेकिन आप सब अपने घर क्यों नहीं गए? सभी अयोध्या वासियों से मेरी विनती है कि जब हम अपने वनवास की ओर प्रस्थान करें तो कोई भी स्त्री या पुरुष हमारे पीछे ना आए और अपने अपने घर वापस चले जाए। प्रभु, हमने आपकी आज्ञा का मान रखा, लेकिन ना ही हम स्त्री है ना ही पुरुष। इसीलिए हमने अयोध्या के मुख्य द्वार पर ही आपका इंतजार करना उचित समझा। आपकी श्रद्धा ने हमें भावुक कर दिया, इसीलिए हम आपको यह वरदान देते हैं कि आज से आप आशीर्वाद देकर किसी की भी जिंदगी में खुशियां ला सकते हैं। ये जो हमारे पुराण के साथ जुड़ी जो कहानी आपने दर्शाया वो सो ब्यूटीफुल। अनुराधा एंड सोनाली, जो आपने काम करा है इन दोनों बच्चों पर, आई एम श्योर इट मस्ट हैव नॉट बीन इजी। आई थॉट दिस वाज सो ब्यूटीफुल, स्पेशली द सेक्शन जो बाद में नीचे आया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आई एम सीरियसली दैट वाज अ मैजिकल मोमेंट फॉर मी। ये बनता है आपके लिए यार, आप सबके लिए। वेल डन, बाय बाय। सुपर सुपर, ये क्राउन भी बनता है फॉर बीइंग सो अमेजिंग। ब्यूटिफुली डन। गीता माँ, आप क्या कहेंगे? वैसा वाला परफॉर्मेंस है ये। मेरे लिए ये मैं कहूंगी कि ये तूफान से भी ऊपर था ये परफॉर्मेंस। तूफान परफॉर्मेंस। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। लव यू, लव यू। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आप लोगों को मंच पे बुलाना चाहूंगी। आप आना चाहेंगे प्लीज?
मेरा नाम मोनिका है और मैं एक छोटे से शहर हरिद्वार से हूँ, ज्वालापुर से जी। और हंसवी जब बहुत छोटी थी तब से मैं हंसवी के जानती हूँ। हंसवी हमेशा स्टेज में परफॉर्म किया करती थी, स्कूल में परफॉर्म किया करती थी। कुछ लोग समाज के हमारी कम्युनिटी को एक हीन भावना से देखते हैं, तो वो हंसवी ने उसके लिए ये एक्ट किया। मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ और हमारे कल्चर को आप लोगों ने याद दिलाया। आपको सबको महाकाल खुश रखे। हंसवी मेरी बेटी है, बेटी से भी बढ़ के है। जो हमने एक दिल से रिश्ता बनाया था कई साल पहले, वो रिश्ता आज तक हंसवी निभा पा रही है। आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं अपनी बेटी हंसवी की नज़र उतारना चाहती हूँ। तेरी मैं बलाएं लूं, तुझे मैं दुआएं दूं, तुझको मैं खुशियों के साए दूं, ख्वाबों को सजाए तू, आँखों में बसाए तू, तुझको मैं सब जो चाहे तू। एक बार जोरदार ताला हो जाए हमारे परफॉर्मेंस के लिए भी। थैंक यू सो मच फॉर दिस रॉकिंग परफॉर्मेंस। प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू सो मच। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।